एशिया के सबसे लंबे रूट पर एक बार फिर से HRTC ने बस सेवा की सौगात दे दी है। दिल्ली केलांग लेह बस सेवा 11 जून यानी आज से शुरू हो गई है। इस बस को SDM केलांग रजनीश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बस दिल्ली से अम्बाला, चंडीगढ़ कीरतपुर फोर लेन, सुंदरनगर मंडी, कुल्लू मनाली, अटल टनल केलांग, बारालाचा दर्रा, तंगलांगला दर्रा, लांचुंग दर्रा से होते हुए लेह लद्दाख पहुंचेगी। इस बस में सफर के दौरान आप कई प्राकृतिक वादियों का भी आनंद लेंगे। इस बस में 981 किलोमीटर के सफर के लिए किराया मात्र 1,627 रुपए देना होगा। बता दें कि दिल्ली से ये बस दोपहर 12:15 बजे चलेगी और केलांग सुबह 5 बजे पहुंचेगी। फिर बस और स्टाफ बदलने के बाद सुबह 5:30 बजे लेह के लिए प्रस्थान करेगी। आज जो हमारा दिल्ली लेह रूट है, इसका शुभारंभ किया गया आज 11 जून को। पिछले वर्ष 8 जून को इसका शुभारंभ हुआ था। ये टोटल दिल्ली से लेह तक 981 किलोमीटर का सफ़र है जो ये हमारा रूट तय करता है, और इसमें किराया जो है 1,627 रुपये इसका किराया है। ये 4 माउंटेन पासिस को क्रॉस करते हुए हमारी HRTC की बस लेह अपने गंतव्य स्थान पहुँचती है, और लगभग 33 घंटे का सफ़र तय करके ये अपने गंतव्य स्थान पहुँचेगी।